बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए क्या है खास या आपको आने वाली है परेशानियां, मैं बताऊंगी आपको। चलिए तुला राशि के जातकों की अगर बात की जाए तो ये ग्रहण आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहा है। जी हाँ, अगर लंबे समय से पैसे के बारे में आप सोच रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन 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 रुक जाइए। ये आपको देगा स्किन की प्रॉब्लम, ये आपको देगा पिंपल्स की प्रॉब्लम, हो सकता है कि आपको पूरी बॉडी में रैशेज और कुछ एलर्जी हो जाए, तो डरिएगा मत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, वो करिए। आप ग्रहण के बाद गुलाब जल पानी में डाल के स्नान जरूर करें। ग्रहण के समय पर अगर आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। ग्रहण के बाद आपको जो चीज दान करनी है वो बेहद जरूरी है, आटा। जी हाँ, अगर आप चाहें तो गेहूं भी दान कर सकते हैं, इससे आप आने वाले कष्ट से और तकलीफों से बच जाएंगे। आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी भी महिला दोस्त को खुश रखें और ग्रहण के समय पर उनका आशीर्वाद या उनसे विशेष या उनका प्यार जरूर लेते रहें। आशीर्वाद के तौर पर अपनी माँ से आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी भाभी से आशीर्वाद ले सकते हैं, आपकी सीनियर बॉस से भी जो कि महिला हो आशीर्वाद ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बस उपाय करते रहिए और खुद को बहुत पॉजिटिव जरूर रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।